एवरीवन, आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ क्लॉथ पैड्स के ऊपर कि क्या है, हमें इन्हें क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। शुरुआत करते हैं कि सैनिटरी पैड्स क्यों छोड़कर हमें क्लॉथ पैड्स यूज़ करने चाहिए, कपड़े के पैड्स क्यों। सैनिटरी पैड्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो आप एक पैड को इस्तेमाल करके उसको पेपर में या प्लास्टिक में रैप करके फेंक देते हैं, वो 500 से 800 साल तक कहीं नहीं जाता, कुछ पैड्स तो उससे भी ज़्यादा समय लेते हैं। और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है, इनसे काफ़ी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। हम इनको हर साल, हर महीने 5-5 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचता है जो हमें पता भी नहीं चलता। क्लॉथ पैड्स कपड़े के बने रहते हैं, इन सब के अंदर एक एक्स्ट्रा कपड़े की या कॉटन वूल की लेयर्स रहती हैं जो आपका ब्लड अब्जॉर्ब करती हैं। कई पैड्स में अंदर एक लैमिनेटेड प्लास्टिक की लेयर भी रहती है जो आपकी स्किन से कॉन्टैक्ट में नहीं आती है, बट पैड के अंदर रहती है, जिससे पैड लीक नहीं करता है। काफ़ी तरह तरह के पैड्स आते हैं, अगर आपको तरह तरह के पैड्स में डिफरेंस देखना है तो आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हाइजीन एंड न्यू पैड है, ये इकोफेम पैड है। इन सब में विंग्स हैं जैसे आपके डिस्पोजेबल पैड्स में होते हैं, तो आप इसको अंडरवेयर पे ऐसे रख के ऐसे विंग्स बंद कर सकते हैं तो ये हिलेगा नहीं। सो ये हाइजीन एंड न्यू, ये इकोफेम, ये शोमोता का पैड है। अगर आप सबको साथ में देखना चाहें, साथ में भी देख सकते हैं, ये सिमिलर साइजेस हैं, कुछ छोटे हैं। इकोफेम का पैंटी लाइनर है, ये उगेर का पैंटी लाइनर है, ये इकोफेम का नाइट पैड है तो थोड़ा लंबा है, ये हाइजीन एंड न्यू लार्ज पैड है और भी लंबा है, ये एक्सेल जो सबसे बड़े साइज में आता है, काफ़ी हैवी ब्लीडिंग के लिए है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के लिए है। तो इस तरह से बड़े सारे हैं पैड्स, ये उगेर का पैड है। आप अपनी नीड के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, छोटा पैड लाइट फ्लो के लिए, बड़े पैड हैवी फ्लो के लिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्लॉथ तो यूज़ करना हाइजीनिक नहीं है, हम डिस्पोजेबल पैड्स यूज़ करेंगे वो ज़्यादा हाइजीनिक रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये नोशन हमारे दिमाग में डाला गया है कि कपड़ा साफ़ नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, इससे बीमारियां फैलती हैं। कपड़े से बीमारियां इसलिए फैलती हैं क्योंकि काफ़ी लोग शर्माते हैं पीरियड्स के बारे में बात करने में, वो जब पीरियड में होते हैं या कपड़ा यूज़ करते हैं उसको धोकर बाहर खुले में नहीं सुखाते कि कोई देख ना ले, या किसी ने देख लिया तो वो क्या बोलेंगे कि आपका कपड़ा यहाँ क्यों सूख रहा है। तो इस वजह से वो धोकर उसको कमरे में ही कहीं पे रख देते हैं या बेड के नीचे डाल देते हैं सुखाने के लिए, जो ढंग से सूखता नहीं है और उसमें कीटाणु उगने लग जाते हैं। और फिर वही कपड़ा जब वो यूज़ करते हैं उसमें कीटाणु थे तो उनको वो कपड़ा यूज़ करने से इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारियाँ हो जाती हैं। पर अगर आप अपने कपड़े को, क्लॉथ पैड को अच्छे से धोकर, ढंग से सुखा कर पहने, फिर से यूज़ करें या स्टोर करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कपड़ा सबसे ज़्यादा सेफ और क्लीन मेथड है अपने पीरियड्स में यूज़ करने के लिए। इनको धोना भी मुश्किल नहीं है, आप यूज़ करने के एकदम बाद इसे निकालिए और ठंडे या नॉर्मल पानी में रख दीजिए, रिंस करिए तो सारा ब्लड आराम से निकल जाता है। उसके बाद आप इनको आधा पौना घंटा सोक कर सकते हैं या सीधा हैंड वॉश भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सोकिंग की ज़रूरत है, आधा घंटा से 7-8 घंटे तक आप इसे सोक कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी माइल्ड सोप से इसको हैंड वॉश करिए या मशीन वॉश करिए। मशीन वॉश में अगर आप हर बार पैड्स को मशीन वॉश करते हैं तो उनकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप एक पैड को 70-80 बार या 150 बार यूज़ कर सकते हैं तो लगातार मशीन वॉश से उसकी लाइफ कम रह जाएगी, तो बेटर है अगर आप हैंड वॉश करें। कभी कभी मशीन में वॉश कर सकते हैं, और जब मशीन में वॉश करें तो मैं सलाह दूंगी कि आप उसे सेपरेट किसी दूसरे छोटे कपड़े के बैग में डाल दें, तो अपने 3-4 पैड्स और उनको मशीन में डाल दें, इससे भी उसकी लाइफ बेटर रहेगी। अपने पैड्स को सुखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे बाहर सनलाइट में सुखाएं।
पर अगर मौसम ऐसा नहीं है, सनलाइट नहीं है जहाँ आप रहते हैं, या बारिश हो रही है, तो आप मशीन की टंबल ड्राई में भी सुखा सकते हैं, कमरे में सुखा सकते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। कमरे में अगर बारिशों के दिनों में सुखाएंगे तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, बट आप इतना ध्यान रखें कि उसको फिर से यूज़ करने से पहले या अलमारी में स्टोर रखने से पहले आप उसे अच्छे से ड्राई कर लें। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये स्मेल करेगा, मैं उसको वॉश कैसे करूँ, स्मेल बहुत बुरी आती है। स्मेल एक्चुअली हमारे ब्लड की नहीं है, हमारे ब्लड की बहुत ही हल्की सी स्मेल होती है, या जो लोग अच्छा डाइट लेते हैं उनकी तो स्मेल होती ही नहीं है, या बहुत माइल्ड स्मेल होती है। जो स्मेल हम सैनिटरी पैड्स में सूंघते हैं वो इसलिए आती है कि जब आपका ब्लड एयर और पैड्स के केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसकी स्मेल बन जाती है। पर आप जब कपड़ा यूज़ करेंगे या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगे, आपको पता चलेगा कि मेंस्ट्रुअल ब्लड की स्मेल वैसी होती नहीं है, बहुत माइल्ड स्मेल रहती है, जिसको आराम से आप वॉश कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको क्लॉथ पैड्स के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा पैड यूज़ करना चाहिए, छोटा बड़ा, कौन से ब्रांड का, तो हमारे और भी वीडियोस हैं जो कंपेयर करते हैं 3-4 अलग अलग ब्रांड्स को, कौन सा पैड कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। हमारी साइट पे चार्ट भी है जहाँ पे आप अलग अलग ब्रांड्स के एब्जॉर्बेंसी कंपेयर कर सकते हैं, उनकी लेंथ, साइजेस वगैरह कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा पैड बेटर है। तो आप हमारी साइट पे देखिए और चूज़ करिए आपको कौन सा क्लॉथ पैड चाहिए। थैंक यू।